यूपी की योगी सरकार कोरोना की दूसरी लहर पर काबू करने के बाद अब संभावित थर्ड वेव की तैयारियों में जुट गई है। इसके तहत पूरे प्रदेश में जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के साथ बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहीं थर्ड वेव के दौरान बच्चों में कोरोना का संक्रमण फैलने के एक्सपर्ट की आशंका के मद्देनजर NICU के बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं। योगी सरकार कोरोना की सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की हुई मारामारी को देखते हुए पूरे प्रदेश में नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर रही हैं। इसी कड़ी में नैनी के सरस्वती हाईटेक सिटी में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली शिलान्यास किया। इस दौरान प्रयागराज में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह समारोह में मौजूद रहे। यहाँ पर श्री उमेश जायसवाल जी हैं, प्रभा इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके अपने लाभ का जो वंश है वह समाज की सेवा में समर्पित करने की दिशा में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कर रहे हैं। माननीय नितिन गडकरी जी जो भारत सरकार के वरिष्ठतम मंत्री हैं, हम सबके नेता हैं, मार्गदर्शक हैं, उनके द्वारा आज इसका शुभारंभ किया गया। मुझे भी इस अवसर पर रहने का सौभाग्य मिला और आने वाले समय में ऑक्सीजन का संकट प्रयागराज सहित प्रदेश को नहीं किसी प्रकार से झेलना पड़े इसकी तैयारी की गई।